हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका आपके अपने चैनल रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बहुत सारी खाने की रेसिपीज, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या हो कोई स्वीट डिश। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको आज भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ में ही साइड में एक बेल आइकन है, उसे क्लिक कीजिए जिससे कि हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सभी रेसिपीज को एंजॉय कर सके। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं आज हम आपके लिए क्या खास रेसिपी लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे काले चने की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे काले चने के बहुत सारे फायदे। जी हाँ, काले चने के जादुई फायदे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं हमारी बॉडी को। और दिन में आप अगर एक बार भी काले चनों का सेवन करेंगे तो आपको वो सभी फायदे मिल सकते हैं। तो काले चने खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप काले चने को भिगा के सिर्फ कच्चे भी खा सकते हैं, या फिर आप उन्हें उबाल के सिंपल खा सकते हैं, या उनकी बहुत टेस्टी रेसिपीज बना सकते हैं। तो बच्चों को खिलाने के लिए आप थोड़ी सी चटपटी सी स्पाइसी सी रेसिपी बनाइए, उससे वो ज़रूर खाएंगे। तो चलिए आज हम आपको रेसिपी भी बताएंगे बहुत ही टेस्टी सी, जिन्हें बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और साथ में इसके फ़ायदे। काले चने में हमें बहुत सारे प्रोटीन, आयरन और विटामिन मिल जाते हैं। आयरन की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम काले चनों में हमें 3 मिलीग्राम यानी कि हमारे पूरे दिन का 20% आयरन काले चनों से हमें मिल जाता है, अगर हम 100 ग्राम काले चने खाते हैं। काले चने से हमें 300 कैलोरीज मिलती है। काले चने में प्रोटीन बहुत सारा होता है। 100 ग्राम अगर काले चने खाते हैं तो हमें 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। काले चने हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे एनीमिया से बचाता है काले चने की। अगर हम थोड़ी सी डोज दिन में ऐड कर लें अपने खाने में तो हमें एनीमिया की बीमारी से बचा लेता है। रोज़ की ज़रूरत के हमें जो गुंजाइश होती है काले चने की, यानी कि जो शरीर की कमज़ोरी होती है, वो हमें थोड़े से काले चने के सेवन करने से वो कमी भी पूरी हो जाती है। वज़न कम करता है बहुत ही तेज़ी से काला चना, क्योंकि आपने देखा होगा जब काले चने खाते हैं तो काफ़ी देर तक एक तो ये पेट भर देता है, जल्दी भूख नहीं लगती है, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। हाजमा दुरुस्त रखता है काला चना। हाजमा दुरुस्त से मतलब है हमारा कि जब आप काले चने खाएंगे और इसमें फाइबर होता है तो पेट को अच्छे से साफ करता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग होता है। और आज के टाइम में जबकि पूरे देश में इन्फेक्शन और बीमारी फैली हुई है तो हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बहुत ज़रूरत है। तो काले चने की थोड़ी सी मात्रा अपने डेली रूटीन के खाने में ज़रूर ऐड करिए। इसके बाद हमें इससे फ़ायदा मिलता है ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज़ में। ये डायबिटीज़ को स्थिर रखता है। बॉडी बिल्डिंग में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं यानी कि जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको तो आपने सुना ही होगा काले चने बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि जैसे आपने देखा है कि घोड़ों को भी काले चने खिलाए जाते हैं, तो इंसानों के लिए भी काले चने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं शरीर को लेके। इससे हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। काले चने का सेवन करने से हमारी जो नींद है, अगर वो कम आ रही है या थोड़ी आ रही है, तो नींद ना आने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। उसके लिए अच्छा है कि आप थोड़े से काले चने का सेवन करिए और नींद की जो आपकी समस्या है उसे दूर करिए। हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उन्हें भी ये दूर करता है। साथ में ही ये हमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के जो लेवल है उसे बढ़ाता है। आपने सुना होगा कि पीली की बीमारी में काले चने के खाने के लिए बहुत लोग हमें सलाह देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है वो बात, क्योंकि काले चने हमें पीले में बहुत मददगार होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन है जो पीले की बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें काला चना हमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा ज़रूर ऐड करिए। तो चलिए, अब ये हो गए फ़ायदों की बात, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इससे हम दो रेसिपी बताएंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। काले चने को ज़्यादातर हम चाट के तौर पर सर्व करते हैं, तो एक चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं ना, वो चाट बहुत पसंद करते हैं, उन्हें अगर चाट के तौर पर काले चने खिलाएंगे तो ज़रूर खाएंगे, बहुत ही खुश होकर खाएंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं एक बाउल काले चने, और चनों को यानी कि जो कच्चे चने हैं उन्हें आप रात को पानी में भिगा दीजिए। सुबह मॉर्निंग में उन्हें अच्छे साफ पानी से धोकर उबालने के लिए रखिए, साथ में उसमें ऐड कर दीजिए नमक। तो यहाँ पर जो ये चने हैं ये मैंने उबाले हुए हैं, ये देखिए अच्छे से मैश हो रहे हैं, तो ये चने बिल्कुल उबाल रखे हैं मैंने।
और उबले हुए चने का जो पानी होता है अगर आप वो भी पियेंगे तो वो भी बहुत फायदेमंद होता है शरीर के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं फिलहाल चनों की। तो चने हमने उबाल लिए हैं सारे चने, इनका जो पानी है वो हमने अलग कर दिया है। अब इसके लिए हम चाट बनाने के लिए यूज़ करेंगे प्याज का। तो यहाँ प्याज की जो मात्रा है वो बारीक करके काटी गई है, 1 से 1.5 प्याज ले सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप जो अपने चनों के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्याज का यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पे 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई ले रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो अच्छी खासी मात्रा में आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 बड़े साइज़ की मिर्च को बहुत महीन यानी कि बारीक काट कर यूज़ कर रही हूँ। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर, सिर्फ टमाटर 1 ही डालेंगे या आधा भी डाल सकते हैं, कम यूज़ होगा टमाटर का, और जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, जिससे कि खुशबू भी और टेस्ट फ्लेवर भी बहुत आता है। और साथ में हरे धनिया में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब भी आप धनिया किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो सिर्फ पत्ते ही नहीं, उसकी डंडी का भी यूज़ करिए, जब भी आपको धनिया के जो प्रॉपर फ़ायदे हैं वो मिल सकेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। तो यहाँ पर हम नींबू ले रहे हैं 1, और उसका हम इसमें रस निकाल लेंगे। एक नींबू का रस। अब इसके बाद कुछ मसाले, नींबू के रस के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। चाट में अगर आप सफ़ेद नमक की जगह काला नमक डालते हैं तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट फ्लेवर भी आता है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे ब्लैक नमक, और वो डालना है हमें 1/4 चम्मच, क्योंकि चनों में ऑलरेडी जो है इसमें नमक हमने उबलते वक्त ऐड किया था। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर बच्चों के लिए है तो फिर पहले की तरह मैं कहती हूँ आप मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद जाएगा इसमें चाट मसाला, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चाट मसाले का 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, और बस इसे मिक्स करिए। तो ये बनके तैयार है झटपट सी चटपटी हेल्दी चाट की रेसिपी। जी हाँ, हेल्दी, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो हमने आपको जो चाट के यानी कि काले चनों के फ़ायदे बताए हैं वो अनमोल हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसे ज़रूर ऐड करिए अपने लाइफस्टाइल में, काले चनों को थोड़ा सा डेली रूटीन में ऐड करिए, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत फ़ायदेमंद देगा। 1 नहीं 1000 बीमारी के लिए ये ज़रूरी है, काले चने फ़ायदा देता है। तो ये तो हो गई एक चटपटी सी चाट की रेसिपी। अब इसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं दूसरी रेसिपी। दूसरी रेसिपी है काले चने की ये ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो बच्चों को काले चने खिलाने का ये दूसरा तरीका है जो कि बहुत पॉपुलर है। आप इसे चावल पूड़ी नान किसी के साथ भी बच्चों को खिला सकते हैं, और इसका जो जायज़ा है वो छोलों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जी हाँ, काले चने बेनिफिट तो होते हैं इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप किसी भी तरीके से खिलाइए, ग्रेवी वाले काले चने खिलाइए या फिर आप चाट बना के खिलाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे बच्चों को। ये जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी है इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करा है कि आप इस तरीके से ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ग्रेवी वाली जो कि बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी चने की ग्रेवी वाली ये चटपटी सी सब्जी की रेसिपी। काले चने को खाने के 2 तरीके हमने आपके साथ शेयर करे हैं, आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, चाट वाला या सब्जी वाला। और पहले की तरह मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी की चटपटी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और हेल्थ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए चनों को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें। फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। बाय बाय।